अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हम आपको फया किचन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए भुना गोश्त की रेसिपी लेके आए हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। हमने एक कप कुकिंग ऑयल लिया, हमने इस डेक्ची में डाल दिया, फिर हमने इस दो प्याज भी इसको छील के काट के वो प्याज भी हमने इस डेक्ची में शामिल कर दी। हम इस प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त भी हमने ये गोश्त है इसे हमने 2 कप पानी डाल के उबाल लिया था। इसमें थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी साबुत डाला था, इसे हमने बॉईल कर लिया है, ये अब डन हो गया है। अब जब मसाला हमारा भुन जाएगा फिर हम इस गोश्त को इस मसाले में शामिल कर देंगे। हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम ये गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को हम पानी के साथ ही शामिल कर देंगे। अब इस पानी को हम गोश्त प्याज के साथ भूनेंगे और खुश्क कर लेंगे, फिर इसमें टमाटर और बकाया मसाला जहाँ डाल के आपको दिखाएंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हमारे गोश्त को प्याज के साथ भूनते हुए 10 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये 1 स्पून और ये 2 स्पून, 2 से 2½ स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। गोश्त में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसमें गोश्त में अदरक लहसुन ज़्यादा डालता है, बाकी मसालों में कम डाल, बाकी रेसिपी में कम डालता है। गोश्त की रेसिपी में अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालता है, इसलिए हमने 2½ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया था। अब इस स्टेज में हम इसमें ये टमाटर शामिल कर देंगे। एक और टमाटर है जिसका छिलका उतार के हमने काट लिया है। हमारे व्यूअर्स, हम हमेशा छिलका उतार के ही टमाटरों को काटते हैं, इस तरह ये टमाटर जल्दी गल जाते हैं और छिलका आपको पता है कि गुर्दों के लिए नुकसानदेह होते हैं, इसलिए हम छिलका उतार देते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप छिलका समेत काटना चाहें तो आप काट सकते हैं छिलका समेत भी, हम छिलके के बगैर ही काटते हैं। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। हम 1/2 स्पून ये हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, टर्मरिक पाउडर, 1 स्पून, 1½ स्पून हम इसमें ये रेड चिली इस्तेमाल करेंगे पिसी हुई। वन स्पून हम इसमें फ्रेश रेड चिली इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम 5 से 10 मिनट भूनेंगे, फिर इसमें हम भुना गोश्त का मसाला शामिल करेंगे। हम हमारे गोश्त को मसालों के साथ भूनते हुए, मसाले और टमाटरों के साथ भूनते हुए 10 मिनट हो गई। आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई, बिल्कुल भुन गया, तैयार हो गई हमारा भुना गोश्त की रेसिपी है। इसमें हम 1/2 स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची शामिल कर रहे हैं और एक ये हमारा भुना गोश्त का मसाले का पैकेट है, ये हम शामिल कर रहे हैं। अब इसे हम 10 मिनट भूनेंगे, फिर इसे हम डिश आउट कर देंगे। हमारी ये रेसिपी तैयार है। गोश्त तो हमने पहले से गला लिया था पानी डाल के, गरम मसाला डाल के और बाकी मसाले जात वगैरह हमने डाल दिए। इसे हमने 10 मिनट भुना, फिर 10 मिनट भुना, 20 मिनट हो गया हमारे गोश्त को भुना गोश्त को भूनते हुए। अब इसे हम मज़ीद 10 मिनट और मसालों के साथ भूनेंगे, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हमारे भुना गोश्त को भूनते हुए 10 मिनट मज़ीद हो गए। अब इसे हम लास्ट में ये 1/2 स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। इसमें ये गरम मसाला लास्ट में शामिल होता है।
अब इसे हम मज़ीद 10 मिनट भूनेंगे, फिर इसे डिश आउट कर देंगे। ये हमारे भुना गोश्त की रेसिपी है। अब इसे हम 10 मिनट मज़ीद भूनेंगे, फिर इसे अब इसे हम 5 मिनट के लिए सिर्फ कवर करेंगे, कवर करके रखेंगे, फिर इसे डिश आउट कर देंगे। हमारी रेसिपी को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें ये 1/4 स्पून हम सॉल्ट शामिल करेंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। ये हम इसे 5 मिनट नमक के साथ मज़ीद भूनेंगे, फिर इसे डिश आउट कर देंगे। इसे 5 मिनट कवर करेंगे, फिर इसे डिश में निकाल देंगे। हम इसमें 1/2 स्पून सॉल्ट शामिल करेंगे। सॉल्ट हमने शामिल नहीं किया था, ये 1/2 स्पून हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे, क्योंकि हमने जब गोश्त को भुना था तो उस टाइम पे भी हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया था। अब हम मज़ीद इसको 5 मिनट भुनेंगे, फिर इसे डिश आउट करेंगे। अब हमारी रेसिपी को नमक और मसालों के साथ भुनते हुए 5 मिनट हो गए। अब हमारी ये रेसिपी बिल्कुल कम्प्लीट तैयार है। अब इसे हम डिश में निकालेंगे, गार्निश करेंगे। हमारे व्यूवर्स, ये हमारा भुना गोश्त की रेसिपी तैयार है। इसे आप हमारे तरीके से ट्राई करें, बनाएं। इसे हमने अदरक के बारीक पीस करके इसे गार्निश कर दिया है। आप हमारी इस रेसिपी को हमारे तरीके से ट्राई करें। इस रेसिपी को आप हमारी इस रेसिपी को गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ या पराठे के साथ नोश फरमाएं। हमारे व्यूवर्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे व्यूवर्स, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, और वो जो छोटा सा बेल आइकन के बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर लिया करें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।